नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जौनपुर के राका क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में पुरानी रंजित को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष फायरिंग करने लगे। इसमें जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसमें दो लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। जौनपुर सिरकोनी क्षेत्र के कल्याणपुर बाजार में शनिवार को चोरी का टुल्लू पंप बेचने आए चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस को सूचित कर सौंप दिया गया। मौके से एक चोर फरार हो गया। जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में धार्मिक गुरुओं, समाज सेवी संगठनों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ आगामी त्योहार मुहर्रम, रक्षाबंधन एवं अन्य त्योहारों के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त लोगों से कहा कि आगामी त्योहार चंद्र दर्शन के अनुसार मुहर्रम एवं 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व संपन्न कराने की जिम्मेदारी हम सब की है। जौनपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोभी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिसामपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। सभी कर्मचारी उपस्थित मिले। बाउंड्री वाल नहीं थी, जिसके बारे में बताया गया कि अस्पताल की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। सीएमओ ने कहा कि इस संबंध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किया जाएगा और वहां से मिले निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जौनपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जौनपुर के सोनपुर गांव में शहीद स्थल के राकत में बिजली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में माननीय खेलकूद युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव बतौर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि माननीय पूर्व विधायक केराकत दिनेश चौधरी शामिल हुए। मेजा ऊर्जा निगम के तरफ से सभी सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। यह महोत्सव केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण व अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न सुधारों और प्रगति का लेखा जोखा तथा देश में ऊर्जा सुरक्षा के लिए भविष्य के पाठ्यक्रम को प्रदर्शित करने का एक मंच है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का घोषणा किया गया है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। जौनपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 जुलाई से 23 जुलाई 2022 तक पूरे सप्ताह तक चलने वाले उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 महोत्सव का आयोजन किया गया। सराय ख्वाजा गांव में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री आवास किसान सम्मान निधि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्रों तक पहुंचे, यही सरकार की मंशा है। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि यह सुनिश्चित करना हम सबका भी दायित्व है। जौनपुर साहगंज में शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ एक वर्ष तक दुराचार करने के मामले में पीड़ित की तहरीर पर शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराने के साथ ही पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। जौनपुर खेतासराय पुलिस ने लेदरही गांव में शनिवार को 63 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।